हमारे बच्चे 14 अगस्त मनाते हैं, सलेंसर खोल के मोटरसाइकिल भगाना शुरू कर देते हैं। इंसानियत है या हैवानियत? वन व्हीलिंग करते हुए मर जाते हैं, हराम मौत मरते हैं, खुदकुशी की मौत मरते हैं। हमारे लिए 14 अगस्त की रात बड़ी मुकद्दस रात है। मोटरसाइकिल ना दौड़ाओ, नाच गाने ना करो, मस्जिद में जाके बैठो। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इतना खूबसूरत मुल्क दिया, सारी दुनिया फिरी है, ऐसा खिता कहीं नहीं देखा। ऐसे इल्म वाले, ऐसे जोहद वाले, ऐसे नौजवान। बुराई अगरचे है लेकिन जो खैर का पहलू मैं इस मुल्क में देखता हूँ पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखता, पूरी दुनिया में। तो मेरे अजीजो, हम अपने अल्लाह से इस नेमत के शुक्राने वो करें जो अल्लाह हमसे चाहता है। हम इस मुल्क को ठीक करें कहां से? तारिक जमील से। यहाँ वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, इसको बंद कर। अपने ऐब देखो, अपने ऐब सुनो, जमीर की आवाज सुनो, दिल की धड़कों से उठने वाली बातें सुनो। 6 लाख इंसान जबा हुए तो मुझे कभी ख्याल आता है कि ये उम्मत अल्लाह के सामने पेश होगी, अल्लाह के नबी के सामने पेश होगी, और पाकिस्तानी 6 लाख के सामने भी पेश होंगे, और उनके हाथ होंगे और हमारे घरे बहन होंगे कि जालिमों हमारी बेटियों की इज्जतें निलाम, सतलुज हमारा कब्रिस्तान बना, रावी की लहरों ने हमें कफन पहना, चनाब की मछलियों के पेट हमारी कब्रें बने। तुम क्या कर रहे हो? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, झूठ सूद बदमाशी अय्याशी, जिस कौम में जुल्म फैल जाए, जिस कौम में बद्यांती फैल जाए, जिस कौम में झूठ फैल जाए, उसका जनाजा निकल चुका है, मारने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, हम इस मुल्क को बनाए, और अल्लाह का कानून है कि अपने आप को बदलो। इन्नल्लाह ला युगय्यिर मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। तारिक जमील से शुरू करें कहानी। मुझे फिर इकबाल याद आता है, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सच्चा बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर। اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في باكستان.